मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो नया मॉडल हमारी कंपनी के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, हमारा जो BDP है, जो नेटवर्क BDP है हमारा है, तो उसमें क्या क्या आपको मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, साथ में कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, अगर ऑफलाइन में करना है तो ऑफलाइन में, और अगर ऑनलाइन करना है जो आप कहीं पर भी आप रिमोट पर जो है सो अपने मोबाइल की मदद से गेट को आप ऑन कर सकते हैं, आप खोल सकते हैं उसको, और टू वे कम्युनिकेशन जो भी आपका विजिटर आपके गेट के सामने आएंगे उससे फेस टू फेस बात कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये हमारा मॉडल्स है, ये जो मॉडल्स आप जो देख रहे हैं इसका मॉडल्स का नाम है CP-UBK-711M। ये मॉडल का नंबर आपको मॉडल यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है। और साथ में इसमें आपको मिलेगा क्या आपको, तो ये मैंने अभी जस्ट निकाला है, एक आपका ये स्क्रीन होगा आपका जिसकी लेंथ होगी 7 इंचेस, और साथ में आपका ये आपका होगा एक आउटडोर, ठीक है, ये आपका साथ में रहेगा। ये अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, ये डब्बा, ठीक है। इसमें आपको कुछ इसका डिवाइसेस का अडाप्टर आपका मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आउटडोर को माउंट करने के लिए आपका ये क्लिप मिल जाएगा, वायर्स, और आपका ये फ्रेम, ठीक है। उसके साथ कुछ आपका मैनुअल्स मिल जाएंगे आपके, तो ये आपके साथ सारे कुछ आपको मिलेंगे, डब्बे के साथ आपके साथ यही होगा, ठीक है। मॉडल्स मैंने जैसे बताया CP-UBK-711M। अब हम आते हैं डिवाइसेस के ऊपर। पहले ये जो आप डाइग्राम जो देख रहे हैं, मैंने जो बनाया है ये डाइग्राम आपका, ये जैसा कि आपका स्क्रीन है यहाँ पर, ठीक है। इसका पावर सप्लाई हमने यहाँ से दे रखा है, जो पावर सप्लाई 12 वोल्ट DC जो अडप्टर के साथ आता है आपको देना है, ठीक है। ये आपका जॉयस्टिक ऐसे लगा हुआ रहेगा आपको, तो ये बस आपको 12 वोल्ट आपको अडप्टर दे देना है यहाँ पर, ये अडप्टर लग गया आपका। अब हम आउटडोर की बात आते हैं, आउटडोर हमने यहाँ लगा रखा है, आउटडोर के साथ हमने एक लैन पोर्ट ये इसमें भी दिया हुआ है आपका, ये लैन पोर्ट, ये देखिए लैन पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है आपका। ये कनेक्टर्स आपके बॉक्सेस के साथ ही आएंगे, जितने भी कनेक्टर्स आप देख रहे हैं, ये लैन केबल आपका ऐसे निकल कर करके, और जैसा डायग्राम में बनाया हुआ है यहाँ पर आपका लैन पोर्ट लिखा हुआ है, एज इट इज़ हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमने इंसर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अभी ये जो पार्ट्स है इसको भी आप भूल जाइएगा, ये जो ब्लैक वाला पार्ट्स है, ठीक है। अभी हमने क्या दिया, पावर पोर्ट, स्क्रीन, आउटडोर, आउटडोर के साथ हमने यहाँ पावर सप्लाई दिया है यहाँ पे, ये आउटडोर, क्योंकि अभी हम ऑफलाइन मोड में बना रहे हैं, कि अगर आपका घर के बाहर है आपको इंटरनेट नहीं चाहिए, ठीक है, जस्ट घर के बाहर हमने लगा दिया और घर के अंदर आपका स्क्रीन लगा दिया, विजिटर पे कोई गेट पर आए टू वे कम्युनिकेशन बात होगा आपका, उसके साथ आपने गेट पर लॉक लगा दिया है, अगर आपका बात वहीं ख़त्म हो जाता है तो आपका डॉट सॉल्व। अदर आपको टेरिस पर बैठे हुए हैं, सेकंड फ्लोर पर है या थर्ड फ्लोर पर, अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आपको गेट खोलना है तो आप अपने मोबाइल पर मोबाइल से या फिर स्क्रीन के ऊपर से, या अगर आप वहीं से आप टच करते हैं आपको गेट आपका लॉक खुल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, ये EL लॉक है हमारा, ये इसका मॉडल्स आपका ये देखिए, ये है CP+ का ही हमारा है लॉक, इसका मॉडल नंबर है CP-GA-ER3A-NC, ठीक है, ये मॉडल है। इसमें लेफ्ट और राइट दोनों कॉम्बिनेशन आते हैं, तो आप जब भी खरीदिएगा, परचेज कीजिएगा मार्केट से, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि गेट आपका लेफ्ट साइड खुलता है या राइट हैंड साइड खुलता है, तो वो अपने हिसाब से आप देख करके परचेज कर सकते हैं मार्केट में। अब हम आते हैं ये लॉक पे, लॉक का डायग्राम हमने बना रखा है, इसमें दो केबल निकलेंगे आपका, ये दो केबल आपका ये देखिए, ये दोनों केबल ये निकला हुआ है लॉक की मदद से, ठीक है। ठीक है, ये दो केबल हमने लगा रखा है, दो केबल। अब हम इसको पलट देते हैं, और जैसा कि मैंने यहाँ बनाया है डिवाइस पे NC-CNO+ और माइनस, ठीक है। आउटडोर में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देंगे तो यहाँ पे देखिए नेटवर्क का एक पोर्ट दिया हुआ है आपका, ठीक है। उसके बाद 12 वोल्ट आपका दिया हुआ है, फिर ग्राउंड दिया हुआ है आपका, ठीक है, फिर NO, फिर कॉमन, फिर NC, फीडबैक, अनलॉक, ग्राउंड, फिर 485A, 485B, ग्राउंड, NA, ये सारा पोर्ट्स आप पर्टिकुलर अपने
रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इसको यूज़ करते हैं। अभी हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस माइनस, क्योंकि हम ऑफलाइन मोड में कर रहे हैं तो इसको पावर देना पड़ेगा। उसके बाद NO, कॉमन और NC, ये तीनों पोर्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में आपका लॉक का दो केबल आपका लगेगा, ठीक है। डिपेंड करेगा सिनेरियो कि आप NC यूज़ कर रहे हैं या NO यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या किए कि ये जो रेड बटन, जो ये जो दो वायर दिख रहे हैं, एक ब्लैक और एक रेड, ये आपका प्लस माइनस 12 वोल्ट हमने दे दिया इसको, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि कॉमन, अभी हमने क्या किया, पावर सप्लाई को इससे जोड़ दिया हमने, ये प्लस वाला सिंबल था तो ये केबल यहाँ लाया और सीधे ये प्लस वाले के साथ जोड़ दिया, और ये नेगेटिव था, यहाँ से उठाया, यहाँ से लाया और ये सीधे ये हमने नेगेटिव के साथ जो अटैच कर दिया, ये हो गया क्लियर आपका। अब हम आते हैं NCC और NO। NO का जो केबल एक सीधे आप इसके जो रेड केबल है इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। और जो C का जो पॉइंट है, यानी कि जो पावर सप्लाई का प्लस है, वो आप C के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक तो आउटडोर का पावर आपका हो गया, एक वो और एक आपका C, ये दोनों का केबल आप पावर सप्लाई के प्लस से, इसका भी पावर सप्लाई 12 वोल्ट 2 एम्पेयर दे दीजिएगा, ठीक है। ये एडाप्टर पर देख लीजिएगा जितना एम्पेयर है उसके हिसाब से आप उस पर दे दीजिएगा। साथ में आपका कॉमन का, जैसा मैंने बताया, प्लस में NO को अभी हम यूज़ कर रहे हैं, NC को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो NO को मैंने क्या किया है, एक वायर सीधा लाया और ईयर लॉक के साथ अटैच कर दिया। दूसरा वायर हमने क्या किया है, दूसरा वायर की जो पावर सप्लाई का जो निगेटिव वायर है उसके साथ हमने अटैच किया। तो निगेटिव वायर एक तो आपका आउटडोर का पावर हो गया, इसका पावर और इसका, दोनों को मर्ज किया और इसका जो पावर आपका आ रहा है उसके साथ हमने अटैच कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम आते हैं इस पार्ट पर, जब हम आप लॉक खोलेंगे ये, तब आपके सामने पावर इसमें दे दिया हमने, पावर सप्लाई, इसका भी पावर दे दिया हमने, पावर सप्लाई, ठीक है। अभी हम सिंगल यूज़ कर रहे हैं एक इंडोर के लिए, मल्टीपल्स यूज़ करना होगा अगर आपके पास ये 10 डिवाइसेस है, ये भी 20 डिवाइसेस हैं, तो फिर अपार्टमेंट हम यूज़ करते हैं। अभी हम सिंगल है इसलिए वीला यूज़ करेंगे। ओके पे क्लिक, वीला पे क्लिक किया, ओके किया, तो फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं, सो हम लिखेंगे फर्स्ट टाइम पे क्लिक करेंगे, ओके। अभी हमने स्टैटिक IP 13 इसका है, ठीक है, नेटवर्क में रहेगा, मैं बाद में बताऊंगा, अभी आपको स्टैटिक पे है 13 192.168.1.13 255.255.255.0, राइट। उसके बाद गेटवे आपका 192.168.1.1, हम अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद सेट VTH, VTH हम बोलते हैं इंडोर को, VTH किसको बोलते हैं, इंडोर को, और इसको बोलते हैं VTO, उसको क्या बोलते हैं, आउटडोर, जो आउटडोर को, ठीक है। अभी VTH का पासवर्ड सेट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 123456, ओके 123456 कंफर्म पासवर्ड डाला, ओके किया। अब यहाँ पर हमको मेल ID डालना है, तो मेल ID वो डालिएगा कि आपको पासवर्ड रिकवरी करने में इजी होगा, इनके समटाइम्स यू फॉरगेट टू लॉग इन द पासवर्ड ऑफ द इंडोर डिवाइसेस, सो यू हैव टू यूज द मेल ID सो दैट यू कैन रिट्राइव योर मास्टर पासवर्ड फॉर इंस्टेंट। सो हियर वी आर पुटिंग माय मेल ID मनोज _ सो हमने यहाँ पे पासवर्ड रख दिया। नाउ व्हाट वी डू नेक्स्ट, नाउ सेट द VTO पासवर्ड, दैट मीन्स यू हैव टू सेट द पासवर्ड ऑफ द आउटडोर डिवाइसेस, सो हियर वी अगेन पुट अप द पासवर्ड, सो हियर वी आर यूजिंग ADMIN123। यू कैन चूज योर पासवर्ड एज पर योर डिजायर, बट मिनिमम कैरेक्टर शुड बी 8 कैरेक्टर, ADMIN123। यहाँ हमने 8 डिजिट का टीसर कर दिया है, पासवर्ड हमने ईमेल डाल दिया है, फिर हमने नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद
यहाँ पर आगे आपका देखिए एक अनइनिशियलाइज है, दोनों अनइनिशियलाइज है। यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑपरेशन पे इनिशियलाइज का ऑप्शन, ठीक है, इनिशियलाइज हो गया, और यहाँ पे भी इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बार हम रिफ्रेश कर देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट का यूज करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये आपको ऑप्शन आ जाएगा लोकल, दैट इज आपका ये यहाँ आपका हो गया वीडियो, दैट इज ये आपका आउटडोर, ठीक है। यहाँ एडिट एडिट का ऑप्शन आ गया है। उसके बाद हम वन कन्फिग करेंगे, ये अभी मैं ऑफलाइन मोड में बता रहा हूं। वन कन्फिग किया, वन कन्फिग की प्लीज फिट, तो हम 100% होने तक वेट करेंगे। जब ये 100% हो जाएगा तब फिर आगे हम यूज करेंगे कि क्या करना है प्रोसेस इसको। ये थोड़ा टाइम लेता है आपका, एक मिनट के आसपास लेगा। याद रखिएगा ये डिवाइसेस IP65 है, सो दिस डिवाइसेस इज डस्ट प्रूफ बट नॉट वाटर प्रूफ। तो अगर आप आउटडोर को ये लगा रहे हैं तो इसके ऊपर कैनोपी जरूर यूज कीजिएगा, सो डैट कि पानी वगैरह का जो बूंदे वगैरह होते हैं ये इस पर जा जाए, अदरवाइज ये डिवाइसेस बंट हो सकता है। तो फिर सर्विस सेंटर वाले बोलेंगे कि सर ये डिवाइसेस बंट हो गया है, सो वारंटी में इशूज हो सकता है, ठीक है। अभी ये ऑटोमेटिक जब कन्फिग्रेशन होता है तो ये आपको आवाज इस टाइप का देगा आपका। ये जब तक होता नहीं है हम वेट करते हैं। सो दोस्तों ये 100% हो चुका था, उसके बाद ये खुद ब खुद इंटरफेस ऐसा आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो बटन है इस पे हम प्रेस करेंगे। अनअवेलेबल बोला, एक बार हम चेक कर लेंगे कि नेटवर्क कनेक्शन ठीक है कि नहीं है। कभी कभी इस तरह का दिक्कत आते, देखिए लाइन केबल निकला हुआ है, ठीक है। Calling now. Please wait a moment. आप यहां से इसका, आप इसका जो मेलोडी है आप चेंज कर सकते हैं, इसका वॉयस और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, म्यूट कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्नैपशॉट ले सकते हैं, और ये जो ऊपर में जो दिया हुआ है आप इससे गेट ओपन करने के लिए, ये माइक का ऑप्शन है आपका, ये स्पीकर का ऑप्शन है आपका, ठीक है। अभी हम घंटी बज रहा है, कॉल जैसे उठाते हैं वैसे उठा लेंगे, ठीक है। हेलो, ये अभी पास में है, दैट्स व्हाई ये हमिंग का आवाज दे रहा है, ठीक है। आप, मैं यहां से इसे बंद कर देता हूं, अभी आवाज नहीं करेंगे। यहां से अगर आप करेंगे तो जो हम बोलेंगे ये डिवाइसेस आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो मुझे सुनाई नहीं देगा जो ये बंदा बोलेगा, तो ये दोनों का मतलब ये होता है। उसके बाद आपको करना क्या है कि यहां तक तो आपका हो गया, अब हम आते हैं गेट के ऊपर। ये डिपेंड आप 50-60 meters डिस्टेंस आप यूज करेंगे, ठीक है, मतलब आउटडोर से इंडोर के बीच में। अभी मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, जैसा मैंने डायग्राम बनाया बताया था वैसे ही करना है। अभी मैंने NC है NO वाला वायर इसे जोड़ा था हमने, क्योंकि NO वाला वायर को हमने इसके साथ जोड़ा है, NO वाला वायर का सीधा हमने किसके साथ जोड़ा, एक वायर के साथ। तो ये हमारा NO हमने लिख रखा था क्योंकि मल्टीपल्स वायर थे, कंफ्यूजन हो रही थी, तो हमने इसको अटैच कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया था, इसको दिया था, ये भी अटैच हो चुका है, और ये केबल, ये तो मतलब टोटल आपके पास 6 केबल हैं, 2 केबल तो आपके मल्टीपल्स मल्टीपल्स हो जाएंगी और एक सिंगल है ये, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि अभी हम इसे कैंसिल कर देते हैं। ये आपको धुंधला इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके ऊपर अभी प्लास्टिक चिपका हुआ है, अभी ये क्योंकि डेमो डिवाइसेस है इसलिए हम हटा नहीं, ये हटा देंगे तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर रहेगा आपका, ठीक है। अभी हम वापस, ये डिवाइसेस आपके दरवाजे में लगेंगे बाय डिफॉल्ट, ये इसको ऐसे प्रेस करते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि इसको हमने प्रेस कर दिया, ठीक है। जब हम डायल करेंगे calling now. Please wait a moment.
ये थोड़ा सा हार्ड होता है, मैं इसको ऐसे ही करके दिखाता हूँ। ये हमने दबा रखा है, सॉरी, थोड़ा सा बहुत हार्ड होता है। The person you're trying to reach is unavailable. अभी हमने कॉल किया सर, ठीक है, हमने सब कुछ कनेक्शन जैसा एज पर डायग्राम जो मैंने बताया था आपको, वो मैंने आपको बता दिया है। अभी हमने क्या किया, ये लॉक है, ठीक है, अभी इसको गेट ये बंद कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ हमने रिसीव किया, ये रिसीव हो गया, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको, ये हमने बंद कर दिया, ठीक है। अभी ये गेट लॉक है, जब हम यहाँ से क्लिक ओपन करेंगे तो ये जो आपका पोर्शन है, आपका ये वाला पोर्शन, ये अंदर की ओर चला जाएगा। ध्यान से देखिए, ये ठीक है, कर दिया, ये देखिए, यह भी बोला द डोर इज अनलॉक। तो ये आपका ऑप्शन है कि द डोर इज अनलॉक। आप चाहे तो आप मोबाइल की मदद से, इसमें क्या है, आप रिकॉर्डेड जो भी आपका विजिटर आता है आपका, ठीक है, आप यहाँ से फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया, बातचीत हुआ, आ गया, गेट खुला, गेट ऑटोमेटिक ये बंद भी हो जाता है, क्योंकि आप जैसे ही सटाएंगे तो ये बंद हो जाता है आपका गेट, ठीक है। दोबारा करके दिखा देता हूँ, यहाँ क्लिक किया, यहाँ कॉल हुआ, यहाँ रिसीव किया, ठीक है, यहाँ गेट खुला, ये बंद, ये खुल गया आपका गेट। तो ये आपका ऑफलाइन बोर्ड में था जो मैंने आपको करके बताया। इसमें आप अभी ये ईएम लॉक है, ठीक है, आप ईएम लॉक का भी सेम सिनेरियो जो शीशे के दरवाजे वगैरह पे लगते हैं उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, साथ में ईएम लॉक का कर सकते हैं, और भी कोई डिवाइसेस है, एक्सेस कंट्रोल वगैरह डिवाइसेस आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस लगा सकते हैं आप इसके साथ। मान लीजिए 20 इंडोर है, 50 आउटडोर है आपका, या 50 आपका इंडोर है, ये 10 है, लॉबी पैनल्स है, वे सब कुछ आप कर सकते हैं। साथ में आप मॉनिटर भी कर सकते हैं, एडिशनल कैमरे इसके साथ लगा सकते हैं, सो डैट आपके स्क्रीन के ऊपर दिखेगा आपको ये डिवाइसेस के साथ, ठीक है। उसके बाद आप इसमें इन्फो में क्या मिलेगा आपको, ये जितने भी आप रिकॉर्ड करते हैं वीडियोज़ वगैरह, अगर आप चाहते हैं कि रिकॉर्ड करें, ठीक है, या आपने कॉल किया बंदे ने उठाया नहीं, आप इसको कंटिन्यू थोड़ा देर रखेंगे, ठीक है ना, तो आप जैसे नॉर्मली हम वॉइस मैसेज भेजते हैं, आप यहाँ पे वॉइस मैसेजेस जो है सो कि आप उनको भेज सकते हैं, सो डैट ये चीजें रिफ्लेक्ट करेगा उनके डिवाइसेस पे। अभी ये देखिए, ये बज रहा है, जवाब नहीं मिलेगा तो ये बोलेगा कि काइंडली सेंड योर वॉइस मैसेजेस टू द रिसेप्टर, ठीक है। तो ये था आपका सर ऑफलाइन बोर्ड में, ठीक है। अब हम आते हैं ऑनलाइन बोर्ड में, कुछ नहीं करूंगा, लीव अ मैसेजेस बोला सर आपका, हेलो सर मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं आपके गेट पर आया था, कुछ पार्सल था आपका, ठीक है, हमने ये डिसऑर्ड किया और ये हमने भेज दिया, ये वहां पे स्टोर होगा उस डिवाइसेस पे जाकर के। ये देखिए मिस कॉल अभी हुआ एक, आपके पास डिवाइसेस आ गया, मेन वीटीओ, आज का डेट डाला दिया, टाइम दिखा दिया, मैंने टाइम डेट एंड टाइम सेट नहीं किया इसलिए ऐसा दिखा रहा है आपका, ठीक है। सारा डिटेल्स जितने आपके आएंगे सारा कुछ आपको मिलेगा इसमें। साथ में अभी आप चाहते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो वीडियो ये देखिए सामने जो मैंने रिकॉर्ड किया वो सामने, ये लास्ट में चलाना चाहते हैं तो ये चलना शुरू हो जाएगा, बैक में कौन आया था नहीं आया था, जितनी बार आप रिकॉर्ड चाहते हैं ये देखिए प्लेबैक चलने लगा, ठीक है। उसके साथ आपका गेस्ट मैसेजेस में क्या है कि नहीं, कुछ अभी नहीं डाला है, अभी इसको मैं दोबारा डालूंगा तो आ जाता है, कभी कभी हो सकता है नेटवर्क कारण क्योंकि मेरा वायर थोड़ा सा लूज है। उसके बाद आपका ये कॉल डिटेल सॉस बटन, कुछ इमरजेंसी है तो आप इमरजेंसी सेंटर की इमरजेंसी नंबर इसमें डाल सकते हैं, सो डैट की इमरजेंसी कॉल ये करेगा ऑनलाइन बोर्ड में सर, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा, इसका इंटरफेस की बात करूँ तो आपका सिर्फ सिंगल आप क्लिक कीजिएगा तो ये डिवाइसेस खुलेंगे, रिंग,
बेटियों का रिंग कौन सा होना चाहिए, फोन का प्लस माइनस यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, अलार्म का रिंग कैसा होना चाहिए, कुछ अदर होना चाहिए आपके अनुसार, सो डैट यू कैन सेट, ठीक है। उसके बाद चार BTU इसके साथ लगा सकते हैं, मतलब ये सिंगल डिवाइसेस चार डिवाइसेस को ये हैंडल कर सकता है, चार ऐसा आप लगा सकते हैं। साथ में कार्ड, इसका कार्ड भी दिखा सकते हैं, अलार्म बना सकते हैं आप, मोड किस टाइप का है, ठीक है, कौन कौन से एरिया में लगा सकते हैं, कॉल फॉरवर्ड करना है अगर आप नहीं उठा पाए किसी पे चला जाए दूसरे पे इंडोर पे तो भी पॉसिबिलिटीज है इसमें। जनरल आप चले जाइएगा, डेट डिस्प्ले पासवर्ड QR कोड, यहाँ से आप इंस्टॉल ऑनलाइन के लिए एप्लीकेशन आपका है आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। ये तो आपका हो गया आपका डिवाइसेस, इसका वेब इंटरफेस नहीं होता है VTH इंडोर का, लेकिन आउटडोर का आपका वेब इंटरफेस हो सकता है, ठीक है। जब आप ऑनलाइन का भी मैं करके दिखाऊंगा तो आप इसको मैं दिखाऊंगा आपको करना है क्या। तो ये था आपका एक पार्ट में जो मैंने आपको बताया, सेकेंड पार्ट में आपको मैं ऑनलाइन कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।